वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपका कोच और मेंटर। आज आपको हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बिजनेस कैसे बनता है, कैसे बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसमें कौन से मशीन्स लगता है, कौन सा अदर मटेरियल्स लगना चाहिए, उसमें कितना बजट है, उसको मशीन का स्पेस कितना चाहिए होगा, सो आज हम सब उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ये भी प्रोसेस दिखाएंगे कि प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो आज हम जो प्रोसेस दिखा रही है उसमें आपको दिखाने के लिए हमारा जो सीनियर ट्रेनर है प्रशांत, आज आपको दिखाएगा और बता देगा कि हम कौन से मशीन के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो ये है हमारा प्रशांत, आज आपको बता देगा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है, हमने जो लिया था इसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब सॉरी, इसका डिज़ाइन को हम लिया था और प्रोडक्ट जो हमने ले रहा था वो मास्क है। सो मास्क के ऊपर हम ये वाला डिज़ाइन प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी कुछ होगा। सो डिज़ाइन ये तो हमने ले लिया, मास्क ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हम जो जा रहे हैं वो तो मशीन है। जब आप मशीन के अंदर जाओगे तो हम जो मशीन अभी यूज़ कर रहे हैं, इसमें फ्लैट कर जो भी मशीन है वो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैं वीडियो में जो मशीन दिखा रही हूँ वो है फ्लैट प्रेस मशीन। आप देख सकते हो क्लियरली एक 3 फ्लैट प्रेस मशीन है। इसको साइज ऑफ द मशीन 16x24 का होता है। तो 16x24 का मशीनरी आपको, ये जो मशीन मैं दिखा रहा हूँ ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का हेवी ड्यूटी फ्लैट प्रेस मशीन है। इसमें हर तरीके का फैब्रिक को ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हो। ये फिटीज, इसमें नॉन वारंटी मशीन भी होते हैं। ये मशीन कंपनी की वारंटी के साथ आएगा, 1 साल का ब्रांडेड के साथ। दूसरा आएगा अब नॉन ब्रांडेड के साथ, नॉन ब्रांडेड मशीन, नॉन वारंटी मशीन आता है। सो नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये डिज़ाइन है आप जो देख सकते हो, इसको हमने जोड़ के रखा था एक हीट रेजिस्टेंट टेप से। तो इस हीट रेजिस्टेंट टेप से हमें क्या होता है ना कि हमारा डिज़ाइन जो इसमें है वो हिलेगा नहीं है, इसकी वजह से हम इसको डिज़ाइन को पेस्ट करके रखा है। सो इसको टेम्परेचर को प्रिंट करने के लिए 2 टेफ्लॉन शीट के बीच में हमारा प्रोडक्ट को रखा था, देख रहे हो ना आप। इसके बाद हमें ऑलरेडी इसका टेम्परेचर 2 डिग्री का लगा के रखा है। सो 2 डिग्री का टेम्परेचर हो गया तो फिर इसको ऊपर हम टाइमिंग सेट करेंगे 70 सेकेंड्स, इतना में हमारा प्रिंटिंग हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे कि कौन सा मशीनरी हमें चाहिए होता है। एक मशीन हो गया और दूसरा हमें चाहिए होते हैं जो मेरे पीछे है प्रिंटर्स। इस प्रिंटर्स को हम यूज़ करेंगे बट लेकिन साइज ऑफ द मशीन हमारा A3 है, तो उसके ऊपर हम जाएंगे तो A3 मशीन हमें ले रहे हो तो प्रिंटर भी A3 का साइज का होना चाहिए। एप्सॉन L1800 है, A3 साइज का प्रिंटर है, इसको लेकर हम प्रिंट करेंगे। तो हमारा प्रिंटिंग में A3 A4 दोनों साइजेस का आएगा। इसमें जो प्रिंटिंग में जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो है 9x सब्लिमेशन का हैवी ड्यू 9x सब्लिमेशन का ड्यूअल कोटेड हाईली डेफिनेशन पेपर है। इस पेपर से हमें क्या होता है कि जो प्रिंटिंग है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर होता है। जो इंक हम यूज़ कर रहे हैं वो 100% वाटरप्रूफ इंक है, जो ट्रांसफर के लिए हमें बहुत मदद करते हैं, क्वालिटी देते हैं जो पेपर के ऊपर हमें प्रिंटिंग करने में। ये 2 क्वालिटीज यूज़ करके हमें प्रिंटिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। A3 साइज ऑफ द मशीन में आपको अनेक प्रोडक्ट को प्रिंट कर सकते हो, 3500 प्रोडक्ट्स को। आप मास्क ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकते हो, लाइक टी शर्ट्स है, कुशंस है, कीचेन्स है, आईडी कार्ड है, उसका डोर है, बहुत चीज़ें हैं जो 3500 प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस बजट में जाएंगे तो 70,000 से बजट स्टार्ट हो जाता है। अब एक बीप साउंड सुन रहे हैं ना, इसी बीप साउंड से हमें इंटीमेशन आ जाता है कि हमारा प्रिंटिंग खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही खत्म हो चुका है वो आप निकाल के देख सकते हो, ज़्यादा टाइम तक इसमें छोड़ दिया तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और आप इसका डिज़ाइन को देख सकते हो इजीली कि इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कम्प्लीटली इसका ट्रांसफर जो है वो कम्प्लीटली इसमें हो गया है मास्क के ऊपर। ये ऊपर सो आप देख सकते हो ना कि डिज़ाइन आप ये पहन के दिखा रही है, इसमें जो कलर्स पहले मैंने दिखाया था वो कलर्स कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली इसमें ट्रांसफर हो चुका है। ऐसा आपको ट्रांसफर होना चाहिए तभी आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। तो डिज़ाइन भी ऐसे यूनिक डिज़ाइन या डिफरेंट डिज़ाइन बनाओ तो मास्क को बहुत लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आजकल ट्रेंडी यही चल रहा है मास्क से अलग अलग से बनाओ। सो और अलग अलग डिज़ाइंस को बना के हम देख सकते हो। सो इस मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिर इस A3 साइज में जा रहे हो तो फिर 70,000 से स्टार्टअप होता है। फिर इस A4 मशीन में जा रहे हो तो 50,000 से स्टार्टअप होते हैं। नियरली 50 से 25 लाख तक आपका बीच वाला बजट होता है जो आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप ऐसे ही यूनिक डिज़ाइंस आप मास्क बना के एक एक, मतलब 100, ज़्यादा मत बनाना, यूनिक डिज़ाइंस बनाओ 100 डिज़ाइंस। तो एक मास्क को प्रिंट करने में 20 रुपये लग जाते हैं हमें, तो हमारा जो रिटेल शॉप्स में जाते हैं 50 रुपीज़ में जाते हैं, तो आप मार्जिन देखो, मान के 30 रुपीज़ का मार्जिन होता है। तो नेक्स्ट क्या प्रिंटिंग करेंगे आप, एक एक बताया था ना कि 100 डिज़ाइंस है, एक एक पैकेट में 10 मास्क बना के रखो उसमें। सो 10 डिज़ाइंस हो चुका है,
तो एक एक शॉप में ऐसे 100 शॉप्स में दे दो, इफ इट इज 50 शॉप्स में भी सेल हो चुका है तो 300 रुपीज एक पैकेट में होते हैं, 300 रुपीज इनटू 50 शॉप्स, तो 15,000 एक दिन का हमारा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ऐसा जो प्रॉफिट आता है एंड आज के ज़माना का मतलब आज ज़रूरत है, तो इसमें और भी चीज़ें हैं जो प्रिंटिंग कर सकते हो, मैंने बता दिया था कि नज़र कौन से प्रोडक्ट्स है। हमारा ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुका है अलग अलग शहरों में, तो आप उसमें भी नियरेस्ट लोकेशन को बात कर सकते हो, इसके लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हो। बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें क्या करना है ये सोच रहे हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मोहन चंद्र जी का वीडियोज़ होता है आधा घंटा का, उसमें आप ईयरफोन्स लगा के सुन लीजिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि हमें क्या प्रिंटिंग करना है क्या है। एक तो हमारा वीडियोस के थ्रू आपको यही पता चल रहा है कि हमारा सब्लिमेशन मशीनरी से क्या होता है, कैसे प्रिंटिंग करना है। ओके, बजट में मैंने बता दिया, इसके लिए जो स्पेस में जाएंगे तो हमारे घर में जो स्पेस है उससे भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, नहीं है आपकी शॉप है ऑलरेडी कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है उसी को साथ इसको भी लगाना है तो ये भी लगा सकते हो, इसको कोई मुश्किल नहीं है। आपको जितना भी स्पेस है, छोटा सा स्पेस, एक टेबल में एक प्रिंटर एक मशीन का जगह हो गया तो फिर हो गया। ओके, सो इफ इट इज़ नहीं आ पा रहे हमें, हम नहीं आ पाते तो बजट तो नेक्स्ट टाइम ले देख लेंगे, आकर देखना है तो ऐसा मत सोचना क्योंकि अभी इस टाइम में हमारे इतना टाइम नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं करेंगे तो बिजनेस है तो फिर आगे जाने के लिए पहले से ही सोचना पड़ता है। हाँ, आपको ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन में भी हो जाता है, तो इफ इट इज़ करना है वो सोचो कि हमें क्या करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे। सो आज का जो स्टार्टअप का जो वीडियो में हमने देखा था A3 सेटअप को कैसे लगा सकते हैं, उसमें मास्क की प्रिंटिंग हमने देख लिया 200 डिग्री टेम्परेचर और 70 सेकंड में, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ हम प्रिंटिंग करके दिखाएंगे और उसका बजट बताएंगे। सो आपको अभी आपको जो छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आपको, एंड शेयर कर लीजिए जितना लोगों को, क्योंकि जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को तक जाएगा तो उनको भी यूज़फुल होगा। लाइक कर लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अंडरलाइन, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।